नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR Academy फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीरीज तो छोटी लेकर आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग इंग्लिश लिटरेचर की हर एक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है जो हर बार हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं आए हों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पे, तो देखिए इसमें दिया है इन एज यू लाइक इट हु शेयर टू हुम द फॉलोइंग। ये एक स्पीच दी हुई है आपके सामने, जो स्पीच है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जी हाँ, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार ही एक स्टेज है। ये जो स्पीच है ये बहुत फेमस स्पीच है और आपने इस स्पीच को बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज ये क्वेश्चन में आई हुई है। देखिए PGT 2002 में, RPSC PGT 2016, KVS PGT 2017 और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आई हुई है, जो कि इसमें जगह कम है इसलिए ये लिखी नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन में जो स्पीच है ये किसने दी है। तो ये स्पीच दी हुई है आपकी एज यू लाइक इट जो नाटक है, जो प्ले है, और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और ये जो फ्रेज है एज यू लाइक इट प्ले की, और इसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी की श्रेणी में आती है। ओके, और इसको जो बोलने वाला है वो है जैक। जैक एक मेलंकली स्टेज में बैठा हुआ है, यानी कि दुखी मुद्रा में बैठा हुआ है, उस कंडीशन में ये बोलता है। ओके, और ये जो स्पीच बोली जाती है, ये स्पीच बोली जाती है आपकी एक्ट सेकेंड और सीन सेवेंथ में। याद रखना इस चीज़ को, एक्ट सेकेंड और सीन सेवेंथ में ये स्पीच बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाई किसके द्वारा है, यानी इसमें ये पूछा गया है कि वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है और भी कई एग्जाम्स में आया था, लेकिन इसमें जगह कम है इसलिए इसमें लिख नहीं पाया है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम वीनस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया है, और वीनस एंड एडोनिस आखिर है क्या। तो ये जो वीनस और एडोनिस है ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, और इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है, शेक्सपियर ने इसको लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, इंग्लैंड के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट, सबसे बड़े ग्रेट ट्रेजिडियन माने जाते हैं। और बात कर लेते हैं हम वीनस और एडोनिस की, तो ये प्ले आपका लिखा गया था 1592 में। आप इसको नोट कर लेंगे, 1592 में ये प्ले आपका लिखा गया था, 1592 में। ओके, 1592 से ये 1593 तक लिखा गया था। इसके बाद में इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत अगर जानकारी दें हम, तो ये एक प्लॉट बेस्ड नरेटिव पोएम है, और जो कि आधारित है एक मेटाफोरपिसिस, ओविड ने लिखा हुआ एक नाटक है मेटाफोरपिसिस, उसके ऊपर ये बेस्ड है। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू हिज बेस्ट फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथम्पटन। देखिए इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये पोएम अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ये पोएम किसको डेडिकेट की गई है, तो ये जो पोएम है वो डेडिकेट की गई है उसके बेस्ट फ्रेंड को, जिसका नाम है अर्ल ऑफ साउथम्पटन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये पोएम इसने अपने दो फ्रेंड और हैं उनके लिए भी डेडिकेट की है, उन दोनों फ्रेंड्स के नाम भी आप देख लीजिए, जिनका नाम है हेनरी रॉथस्ले। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और फ्रेंड है इनके, जिनका नाम है बैरन टिचफील्ड। आप इस चीज़ को नोट कर लेना साथ में, इसका नाम है बैरन टिचफील्ड।
क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से कि ये किस किस को डेडिकेट की गई है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो देखते हैं कि एक कोटेशन दिया गया है सामने, जो कोटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बार कोटेशन को हम पढ़ लेते हैं। दिया गया है, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है और पूछा गया है कि हु अमोंग द फॉलोइंग मेड द अबव स्टेटमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है आपका द अबो स्टेटमेंट इज मेड बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। ओके, और ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है इनकी एक पोएम है जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री। ओके, ये इसमें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं द स्टडी ऑफ पोइट्री कब लिखी गई थी। तो स्टडी ऑफ पोइट्री को लिखा गया था 1880 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसमें दिया गया है मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। तो मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वो किस तरीके से मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वो ग्रैंड यानी कि बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ओके, इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है। इसमें जो मिल्टन के बारे में हम विस्तृत जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, और एक वीडियो में मिल्टन पे बना चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल्टन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन और मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी परीक्षा में ये जरूर पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है और ये हर बार परीक्षा में आता है। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट को कब फिनिश किया गया था, यानी कब लिखकर ये कंप्लीट हो गया था। तो बात करते हैं 1932 की। ये जो कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 1932 में। ओके, और सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, 1932 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये जो हुआ था, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन मैं बताता हूँ, इसको लिखना शुरू किया गया था 1658 में। ध्यान देना, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये 1658 में लिखना शुरू किया गया था और 1665 में इसको मिल्टन ने लिख के कंप्लीट कर दिया था। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जॉन गाल्सवर्दी को नोबल प्राइज कब मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखिए कितनी बार ये परीक्षा में आया हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इनको नोबल प्राइज़ कब मिला था। तो इनको 1932 में नोबल प्राइज़ मिला था। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, बी हमारा सही है। इसके बाद में बात करते हैं हम कि इनको नोबल प्राइज़ जो मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनकी जो नरेटिव स्टाइल थी, कहने का मतलब यह है इनकी जो बोलने की और किसी चीज़ को सुनाने की जो स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ही वॉन द प्राइज फॉर इट डिस्टिंगाइज आर्ट ऑफ नरेशन, और बोल सकते हैं नरेटिव स्टाइल, यानी कि इनको नरेटिव स्टाइल या आर्ट ऑफ नरेशन के लिए जो बहुत बेहतरीन थी उसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था। अच्छा, ये आर्ट ऑफ नरेशन इन्होंने प्रेजेंट किस में की थी,
कौन सा प्ले था, क्या वर्क था इनका जिसकी वजह से इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। तो वो वर्क था जिसके लिए इन्हें मिला था द फोरसाइट सागा। इस वर्क का नाम है द फोरसाइट सागा। ओके, इस वर्क के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तब जब ये वर्क का नाम आया है तो इस वर्क के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। द फोरसाइट सागा आखिर है क्या, फोरसाइट सागा क्या चीज़ है, यह हम बताते हैं आगे। चलिए देखिए, फोरसाइट सागा क्या है, एक सीरीज है। सीरीज है ये, कितने थ्री नोवेल्स की सीरीज है। थ्री नोवेल्स की क्या है ये सीरीज है, जिसमें आपके टू इंटरल्यूड्स हैं। क्या हैं, टू इंटरल्यूड्स हैं इसमें, इंटरल्यूड्स। और जब ये दोनों इंटरल्यूड्स लिखे जा रहे थे तो पहला जो इंटरल्यूड था वो पब्लिश हुआ था 1906 में, और दूसरा जो इंटरल्यूड था वो हुआ था 1921 में। ओके, इस तरीके से जब इसको फाइनल कंप्लीट किया गया तब इसका नाम रख दिया गया फोरसाइट सागा। और जब ये फोरसाइट सागा बन के कम्प्लीट हुआ था तब इसको पब्लिश किया गया था 1922 में। ओके, इसको लास्ट में कंप्लीट कर दिया गया था 1922 में। तो इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1932 में मिला था। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप दोबारा से रिप्लेस करके सुन लेना, इससे आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है द टर्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी ही देर में इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो ये टर्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस डेराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है ये किसके राइटिंग से लिया गया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होता क्या है आखिर। ओके, तो द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आल्सो नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग, इसको किस नाम से जाना जाता है, इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, अब इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इट इज अ नरेटिव मोड। क्या है ये, एक नरेटिव मोड होता है, यानी कि बर्डन करने का, कहानी सुनाने का मोड होता है। और अ डिवाइस या एक युक्ति होती है दैट डिपिक्स द मल्टीट्यूडियसनेस थॉट एंड फीलिंग्स विच पास थ्रू द माइंड, यानी ये एक मोनोलॉग है जिसमें जो राइटर है, राइटर का जो करेक्टर है वो अकेले में ही बोलता है, मन ही मन में बोलता है। ओके, मन ही मन में सोचता है जो कुछ भी बोलता है, और थॉट एंड फीलिंग विच पास थ्रू द माइंड, और इसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो इसके मस्तिष्क से होकर गुजरती हैं, यानी इसका माइंड चलने लगता है। माइंड क्या होता है, कॉन्शस हो जाता है, चेतन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो दिस टर्म वाज कॉइंड विलियम जेम्स। अब बात आती है कि इस टर्म को शुरू किसने किया था, तो विलियम कॉइंस ने इसको शुरू किया था। देखिए इसमें कहीं पर है विलियम कॉइंस का नाम, इसमें कहीं नहीं है। तो विलियम कॉइंस का जो नाम है, विलियम कॉइंस को हम विलियम जेम्स के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें विलियम जेम्स ही सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है ये विलियम जेम्स ने कहाँ पर अपने किस वर्क में यूज किया था। तो इन्होंने ये यूज किया था अपने एक वर्क में, उस वर्क का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, द प्रिंसिपल ये वाला नहीं है, ये वाला प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये वर्क था। इस वर्क में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में लिखा है,
लेकिन हम इस वर्क के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये इनका जो वर्क है ये कब पब्लिश हुआ था, इनका ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1819 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि कुछ भी आ जाएगा फिर भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाएगा फिर भी आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एनाग्नोरिस इज अ टर्म, ये क्या है, एनाग्नोरिस इज ए टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने इस टर्म को यूज किया है फॉर डेस्क्राइबिंग, इस चीज को डेस्क्राइब करते हुए इस टर्म को यूज किया है अरिस्टोटल ने। और देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और लगभग हर बार ये एग्जाम में आता है और इस बार भी इसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन किसके लिए दिया गया है। तो बात कर लेते हैं ये आखिर है क्या है, एनाग्नोरिस जो है वो आखिर क्या है। तो एनाग्नोरिस क्या है, एक मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कोई समय। तो इट इज़ अ मूवमेंट इन अ प्ले और अदर वर्क व्हेन अ करेक्टर मेक अ क्रिटिकल डिस्कवरी, यानी एक ऐसा समय होता है जब कहानी का, प्ले का, ड्रामा का, सोनेट का या किसी कविता का कोई कैरेक्टर होता है, कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, वो क्या करती है, क्रिटिकल डिस्कवरी करती है। क्रिटिकल डिस्कवरी का मतलब होता है आलोचनात्मक खोज, और आलोचनात्मक खोज का मतलब होता है जिसमें हम किसी के बारे में कटिंग कर दें, किसी के बारे में कमेंट कर दें, उस पर व्यंग कर दें, यानी उसके बारे में उल्टा बोल सकें, उसके बारे में कुछ कह सकें। तो ऐसी क्रिटिकल डिस्कवरी जब हमारा कोई हीरो कर लेता है किसी प्ले में तो उस मूवमेंट को ही कहा जाता है एनाग्नोरिसिस। ओके, तो इट इज हीरोज सडन अवेयरनेस। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आखिर क्या होता है, ये हीरो का सडन अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस का मतलब आप जानते हैं, अवेयरनेस का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ में बुद्धि का विकास हो जाना, बुद्धि का विकास हो जाना, उसका जागृत हो जाना। यानी हीरो में क्या है, एकदम अचानक से बुद्धि जाग जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंसी आ जाती है, किस चीज़ के बारे में आ जाती है, रियल सिचुएशन के बारे में, और रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स जैसी वो हैं उन चीज़ों को समझने के बारे में उसमें बुद्धि आ जाती है। और फाइनली जो हीरो होता है वो इनसाइडली यानी आंतरिक रूप से सचेत हो जाता है, आंतरिक रूप से वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हो जाता है और वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो ये कंडीशन है, ये वो मूवमेंट है जिसमें हीरो के अंदर जो मानसिक बदलाव होते हैं और वो यानी कि नॉर्मल से अधिक बुद्धिमान हो जाता है, उसका माइंड बहुत तेज चलने लगता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनाग्नोरिसिस क्या चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाई प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फॉर द प्रोटोगोनिस्ट, ये नहीं है। द हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, आगे का जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वो क्वेश्चन नंबर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये कोटेशन भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन के बारे में तो लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है और ये इस बार के पेपर में भी 101% आएगा। तो बात कर लेते हैं कि ये जो कोटेशन है, ये जो स्पीच है, ये स्पीच किसने, कब और कहाँ, किस लिए दी है, किस पोएम में, किस नाटक में या किस करेक्टर के द्वारा इसको बोला गया है। तो देखिए ये जो कोटेशन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये कोटेशन दिया गया है आपका एंडीमियन नाम की एक कविता से। किससे, एंडीमियन नाम की कविता से, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अब बात करते हैं एंडीमियन जो कविता है, इस कविता को किसने लिखा है, इस पोएम को आखिर लिखा किसने है। तो इस पोएम को लिखा है हमारे जॉन कीट्स ने, किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एंडीमियन की थोड़ी सी और, कि एंडीमियन को लिखा तो जॉन कीट्स ने है लेकिन इसको लिखा किस ईयर में है,
तो एंडीमियन को जो लिखा है वो ईयर है 18 और 18। फ्रेंड्स इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ बात करते हैं उस कोटेशन के बारे में थोड़ी सी। ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन की जो लाइनें हैं, ये लाइनें इस पोइम की, एंडीमियन पोइम की पहली लाइन है, यानी ये बिगनिंग लाइन है, ओके। और इट इज़ अ रिटन इन राइमिंग कपलेट इन आइम्बिक पेंटामीटर। देखिए इसकी जो राइमिंग कपलेट है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को बताऊँ कि आइम्बिक और पेंटामीटर, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तो पेंटामीटर को समझने के लिए आपको मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो पहले मैं आइम्बिक पेंटामीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आइम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, 5 फीट्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 फीट्स होते हैं और 10 साइलेबल होते हैं। ध्यान देना, 10 क्या होते हैं, 10 साइलेबल होते हैं। अब मैं बात करूं कि फीट क्या होते हैं, तो फीट का मतलब है एक पेयर। जैसे सपोज दैट कि ये है ब्यूटी, ये क्या हो गया, एक फीट हो गया, ओके। और ये क्या है, ए, ये एक फीट हो गया, और थिंग क्या है, ये एक फीट हो गया, और ये क्या है, एक फीट हो गया, इज एक फीट हो गया, ए एक फीट हो गया, जॉय एक फीट हो गया, और फोर एक फीट हो गया, और एवर भी एक फीट हो गया। ऑकर्स में 2 फीट हैं, क्योंकि ऑकर्स में इसको 2 बार साइलेबल मिला है, यानी जिसमें 1 साइलेबल होता है उसमें 1 फीट होता है, और जिसमें 2 साइलेबल होते हैं उसमें 2 फीट होते हैं, जिसमें 3 साइलेबल होते हैं उसमें 3 फीट होते हैं। अब बात करते हैं कि साइलेबल क्या है। तो जैसे किसी चीज़ को हम डायरेक्टली बोल देते हैं, जैसे ये उर्ण है, तो उर्ण को बोलने में हमें कहीं पर भी इस अक्षर को तोड़ना नहीं पड़ा है, इसको डायरेक्टली हमने बोल दिया है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेसियन की, तो ग्रेसियन को बोलने के लिए हमें पहले क्या बोलना पड़ेगा, ग्रे, फिर उसके बाद में बोलना पड़ेगा सियन। तो इस तरीके से इसके 2 टुकड़े हो गए, तो इसमें कितने साइलेबल हो गए, 2 साइलेबल हो गए। ऐसे ही किसी वर्ड के जितने टुकड़े हो जाते हैं बोलते समय, उतने ही उसमें साइलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको साइलेबल समझ में आ गया होगा, आपको फीट समझ में आ गया होगा, ओके। तो कितने साइलेबल होते हैं उसमें, 10 साइलेबल होते हैं और 5 फीट होते हैं, ओके। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पोइम रिटन बाई लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा कौन सी पोइम लिखी गई है जिसमें लाइनें दी गई हैं, ये वाली, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू ईल। तो ये भी बहुत अच्छी पोइम है, ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पोइम दी जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, ओके। फ्रेंड बात कर लेते हैं ये लाइनें किस पोइम में है। पहले तो हमें ये देखना है कि इन पोइम्स में से जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है उनकी पोइम कौन कौन सी है। तो देखिए इनमें से ये जितनी भी पोइम्स हैं ये सभी हमारी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की ही हैं। अब हमें इनमें से छांटनी है कि ये वाली लाइन किस पोइम में दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ पे अधूरी दी गई है, यानी कि उनको तो एक क्वेश्चन बनाना होता है तो कैसे भी बना देते हैं, लेकिन इसकी जो लाइन है वो पूरी लाइन है, यहाँ से शुरू होती है, मेड वीक वाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल। यानी कि मुझे समय ने कमज़ोर कर दिया है, भाग्य ने भी कमज़ोर कर दिया है, लेकिन मेरी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू ईल, यानी भूखा रहने के लिए, खोजने के लिए और प्राप्त करने के लिए, लेकिन लौटने के लिए नहीं, और मैं अब क्या करूँगा, मैं चलता चला जाऊँगा। तो ये जो पोइम है, ये पोइम है यूलिसिज, और यूलिसिज जो पोइम है लिखी गई है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूलिसिज के बारे में। यूलिसिज पोइम को लिखा गया है 1842 में, कब लिखा गया है, 1842 में। बात करते हैं यूलिसिज किस तरीके की पोइम है, तो ये एक वेयोग पोइम है। कैसी है, वेयोग। वेयोग का मतलब होता है साहसिक यात्रा पे बेस्ड है। इसमें जो यूलिसिज है
इसमें जो यूलिसिस है ये कौन है, ये है किंग ऑफ इथाका, ये इथाका का राजा है। तो ये अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाने के बाद में और समुद्री यात्रा पे चला जाता है, लेकिन जब इसका बेटा छोटा था तब भी ये समुद्री यात्रा से लौटकर आया है। तो फ्रेंड्स ये एक एडवांचरस पोइम है और ये पोइम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है और ये 1842 में लिखी गई है और ये जो लाइनें हैं इसी पोइम से ली गई हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वाली पोइम पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मोस्टली लगभग हर परीक्षा में आ जाता है और ये इस परीक्षा में भी आ जाएगा। तो दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स इन शेक्सपियरियन, टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स, शेक्सपियर्स की जितनी सोनेट हैं उन सोनेट में जो पोइम हैं वो कितने हैं, काउंटिंग में कितनी हैं। तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये 154 सोनेट, 154 पोइम लिखी गई हैं और ये पोइम जो लिखी गई हैं वो एक टाइटल के थ्रू कलेक्ट की गई हैं, यानी ये 154 सोनेट की एक क्या है, सीरीज है। और इस सीरीज को जो कलेक्ट किया गया है वो कलेक्ट किया गया है सोनेट नाम के कलेक्शन में। ओके, बात करते हैं हम सोनेट के बारे में थोड़ा सा और। तो सोनेट क्या है, जो सोनेट है सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोइम्स 154 हैं और इसमें जो पहली 126 पोइम है, ध्यान देना, पहली जो 126 पोइम है ये इन्होंने डेडिकेट की है किसके लिए, इनके एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है WH। ओके, WH नाम से इन्होंने इन्हें डेडिकेट किया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने ये किसको डेडिकेट की है, अर्ल ऑफ साउथम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने डेडिकेट की है ये WH को लिए ही डेडिकेट की है, लेकिन अगर बाई चांस नाम ये वाला आ जाता है तो आप अर्ल ऑफ साउथम्पटन को भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन बात बचती है हमारी कि बाकी की जो पोएम है 28 ये किसके लिए डेडिकेट की है। तो ये जो पोएम है 28 ये इन्होंने डेडिकेट की है डार्क लेडी के लिए। कोई डार्क लेडी है जिनके साथ में इनका घनिष्ठ संबंध था उनको इन्होंने ये पोएम डेडिकेट की है। तो डार्क लेडी के बारे में अगर बात करें तो डार्क लेडी को बताया गया है क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि ये उसी के ज़माने की बात है, लेकिन इन्होंने ये खुल के बात नहीं की है कि ये क्वीन एलिजाबेथ ही थी या कोई और था। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये टॉपिक, बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है जो शायद हर कोई नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, इसमें दिया गया है कि इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड, यानी जो प्रील्यूड है वो किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम प्रील्यूड के बारे में कि प्रील्यूड आखिर है क्या। तो प्रील्यूड इज अ पर्सनल पोइम, प्रील्यूड क्या है, एक पर्सनल पोइम है, ध्यान देना। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि प्रील्यूड क्या है तो पर्सनल पोइम है। पर्सनल क्यों है इसको भी मैं बताऊंगा। पर्सनल इसलिए है ये क्योंकि इसमें ये पर्सनल के साथ साथ में सेमी ऑटोबायोग्राफी भी समझी जाती है। सेमी ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि इसमें लगभग आधी कहानी तो किसकी है, जो जिसने ये पोइम लिखी है उसी की कहानी है। अब ये पोइम लिखी किसने है, तो इस पोइम को लिखने वाले हैं हमारे रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रील्यूड के बारे में। तो प्रील्यूड में क्या है, इनके पूरे जन्म की कहानी है, जन्म से जब तक ये पोएट नहीं बन जाते तब तक की पूरी कहानी दी गई है। तो द प्रील्यूड बाई वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन 1850, इनकी जो रचना है ये 1850 में कंपोज की गई थी, पब्लिश्ड की गई थी। और इट इज़ नॉन एज एनोदर नेम, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ
ऑफ पोइट्स माइंड, ग्रोथ्स ऑफ पोइट्स माइंड, ध्यान देना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ओके, ब्लैंक वर्स क्या है? जो शेक्सपियर ने यूज की थी उसको ही हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ब्लैंक वर्स का सबसे पहले जो यूज किया था वो क्रिस्टोफर मार्लो ने किया था। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए, जिसके लिए आप बेल आइकन को दबा देना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कि मैं वीडियो वैसे तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ में ही बनाता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कोई भी वीडियो फालतू में नहीं बनाता, किसी का टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।